हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट 2022 में दिए गए इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये आपको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम में इंटरव्यू के दौरान आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मैंने फाइव टॉप केस निकाले हैं। फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन और नॉट, इसमें केस लॉ दिया गया है बुद्धदेव कर्मास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। सेकेंड केस है अपहोल्डिंग वैलिडिटी ऑफ अ 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट है EWS के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थर्ड केस है कीपिंग सीडिएशन लॉ ऑन होल्ड, ये क्यों होल्ड पे रखा गया है इसके बारे में SJ यहाँ पे अम्बेडकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उसमें दिया गया है। प्रोहिबिटिंग द टू फिंगर टेस्ट इन रेप केसेस, वो भी आप देख सकते हैं। द केस नेम इज स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस यहाँ पे शैलेंद्र कुमार रॉय, इसमें आप देख सकते हैं कि ये टू फिंगर टेस्ट क्या है। देन फिफ्थ वन आता है ग्रांटिंग द राइट टू अबॉर्शन टू अनमैरिड वीमेन, यहाँ पे केस लॉ दिया है एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। तो यहाँ पे ये जो भी केस लॉ यहाँ पे दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, गो थ्रू दी केस लॉज एंड फैक्ट्स। ओके, थैंक यू सो मच।